दोस्तों देखिए, जैसे कि ये फ्रेशमेस की बैग में इस तरह का बैग आपको आएगा। पहले बैग का फिनिशिंग देखिए, डायरेक्ट सिलीगुड़ी से आपको दिख जाएगा। ये देखिए सिलीगुड़ी दार्जिलिंग लिखा हुआ है। ये इसमें कितना कितना बैग साइज होगा और क्या क्या साइज में आपको देंगे। अगर 5 रुपए का पैकिंग होगा तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। 10 रुपए का पैकिंग होगा, जैसे ये अभी दिखा देता हूँ आपको, ये 10 रुपए का पाउच है, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह का टिक लग जाएगा, जैसे 50 ग्राम, ठीक है, और 100 ग्राम, 250 ग्राम, होम ब्लेंड, होटल टी। मैं ये वाला दिखाता हूँ, इस तरह का लिखा हुआ होता है। ये देखिए होम ब्लेंड, फैमिली टी, होटल टी, जो भी जाएगा इस तरह का टिक निशान लग जाएगा जो भी। तो आप लोगों को मतलब बैग खोलने से पहले मालूम पड़ जाएगा ये थैला कौन सी साइज का है, कितना ग्राम का है। जैसे देखिए ये 5 रुपए का पाउच है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये 5 रुपए का है, ये 10 रुपए का है। इसी तरह मतलब हर साइज में आपको अवेलेबल होगा। ये 20 रुपए का है, ये 250 ग्राम का है, और मतलब आप सीधा सिलीगुड़ी से चाय पत्ती बाय कर सकते हैं, पैकिंग से राहत ले सकते हैं। लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। आप इस तरह का हमारे ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर बने, सीधा सिलीगुड़ी से फ्रेश टी कंपनी से जुड़े। अगर आपको लूज चाय का भी रिक्वायरमेंट होता है, खुद का ब्रांड बनाना है, बल्क के क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो आप बेफिक्र रह के डायरेक्ट सिलीगुड़ी से चाय पत्ती प्रोसेस कर सकते हैं। हमारा पास सारे सुविधाएं अवेलेबल हो जाएगा। आप किस तरह का चाय का व्यापार करना चाहते हैं, तो इस तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास स्पेशल ब्लेंडेड टी भी अवेलेबल होता है, तो इसीलिए दोस्तों हम हर वीडियो में बताते रहते हैं, ब्लेंडेड टी, होम ब्लेंड, ठीक है, फैमिली ब्लेंड, हर तरह का चाय पत्ती अवेलेबल हो जाता है। फ्रेश टी में जो पैकिंग साइज है, अगर ये होम ब्लेंड लेते हैं, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अगर आप होम ब्लेंड फैमिली ब्लेंड लेते हैं तो वही 35 केजी का बैग आएगा, 35 केजी लिखा हुआ होगा। होटल टी लेते हैं तो 35 केजी का लिखा हुआ होगा। अगर आप 250 ग्राम का लेते हैं तो 30 केजी का, राइट, 30 लिखा हुआ होगा, 30 केजी। 100 ग्राम का लेते हैं तो 30 केजी। 50 ग्राम वाला मतलब MRP 20 रुपये वाला अगर लेते हैं वो भी 30 केजी का। 10 रुपये वाला लेते हैं तो 25 केजी का, 30 रुपये मतलब 10 रुपये का MRP वाला, ये 25 केजी आएगा। और 5 रुपये वाला लेते हैं तो ये जो है 20 केजी का थैला आएगा। इस तरह का थैला का साइज आपको बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलरशिप, एजेंसी के लिए फ्रेश टी से संपर्क करें, हमें व्हाट्सएप करें। छोटा पूंजी में भी आप चाय का व्यापार शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलीगुड़ी आप विजिट करें, सारा डिटेल जानें, या पहले सैंपल घर बैठे मंगाएं। चाय पत्ती का व्यापार अगर जिस दिन आपका लक चल गया तो बहुत ही बढ़िया, आने वाला टाइम पे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए, व्यापार ऐसा नहीं होता है, व्यापार, आप व्यापार को प्यार से व्यापार करेंगे ना, तो व्यापार एक दिन जरूर तरक्की होगा। आपके एरिया के अनुसार आप चाय पत्ती चलाएं, हमें कमेंट करें कि आपके एरिया में जो है कौन सी चाय पत्ती चलता है, उसी हिसाब से स्टेट बाई स्टेट के लिए हम इस तरह का पैकिंग में डालते हैं।
लेकिन इसका जो हमारे ब्लेंड का जो पैकेट का जो ब्लेंड है, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया गया है, हमारा जो पैकिंग का ब्लेंड है ये BPOF का ब्लेंड होता है, इस तरह का ब्लेंड है, मतलब बारीक नहीं है और मोटी भी नहीं है, मीडियम दाने का है। इसलिए तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप सैंपल मंगा के चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप विजिट करके हमारे ब्रांड का डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं डायरेक्ट सिलीगुड़ी टी होलसेलर के पास, इतने सस्ते दामों पर है। आप आइए, आधे रेट पर आपको चाय पत्ती मिलेगा। फ्रेश टी का डीलरशिप कैसे बने पूरा A to Z जानकारी दिया। अगर कुछ रह जाते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। चाय पत्ती का व्यापार के बारे में A to Z जानकारी तो देते रहते हैं। देखिए दोस्तों, व्यापार में कुछ नया तरीका आप अपनाएंगे तभी व्यापार में सक्सेस होते हैं। आप लोग व्यापार तो करते हैं लेकिन आप तरक्की की राह नहीं देखते हैं, ज़्यादा मोटी इनकम के चक्कर में आपका व्यापार जो है डाउन हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्यापार कैसे किया जाता है। आप राजस्थान से हैं, आप पंजाब से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप कर्नाटका से हैं, आप बंगाल से हैं, आप बिहार से हैं, आप हिमाचल प्रदेश से, पूरा 34 स्टेट से हैं, आप फ्रेश टी से संपर्क करें। चाय पत्ती का व्यापार कैसे किया जाता है पूरा, ये जो आप व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं इसके आपको खाली व्हाट्सएप करना होता है। आप कौन से स्टेट से बोल रहे हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, ये पूरा जानकारी देना होता है। उसके बाद आप व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, चाय पत्ती का व्यापार के बारे में A to Z जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं सीधा सिलीगुड़ी फ्रेश टी होलसेल मार्केट में। ये आप देख रहे हैं फ्रेश टी सिलीगुड़ी में आपको A to Z जानकारी देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। चाय का ब्लेंड कैसे करेंगे, सिंगल दाना बीपी बीपी में कैसे आप मिक्स करेंगे, ओएफ ओएफ में क्या रेंज के आप मिक्स मतलब ब्लेंडेड करेंगे, उसके बाद जो है आपका ओएफ और पीडी में कैसे मिक्स करेंगे, पूरा A to Z जानकारी आपको डायरेक्ट सिलीगुड़ी से मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप शाम को 8 बजे के बाद फोन करें और जानकारी प्राप्त करें। आप हमेशा सोचते हैं, यूट्यूब में बहुत सारा चाय पत्ती का व्यापार के बारे में देखते हैं वीडियो, लेकिन सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। चाय पत्ती का व्यापार एक्चुअली होता क्या है, व्यापार चाय का व्यापार इतना आसान नहीं है मार्केट में जल्दी ग्रोथ करना। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पूंजी से आपको स्टार्ट करना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप स्टार्ट करेंगे छोटा सा पूंजी में। आप 4-5 हजार के अंदर भी चाय पत्ती का व्यापार शुरू कर सकते हैं और 4-5 हजार में कितना सामान आएगा वो भी आपको बता देंगे। चाय पत्ती का व्यापार शुरू करना है पूरा इंडिया में कहीं पे भी है आपका फ्रेश टी आपको अवेलेबल कराएगा, इससे छोटा बड़ा बोरा के अंदर पूरा एक किट के साथ आपको देंगे सिलीगुड़ी से डायरेक्ट। आप चाय का व्यापार करना हुआ और भी आसान, लेकिन कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जब हमारे पास पैकेट आ जाएगा बैग तो आपको उसका प्रोसेस आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो मैंने आपको बताएंगे कि चाय पत्ती का व्यापार कैसे शुरू करें। आप सोचते रहते हैं सही दाना सही क्वालिटी सही लिकर वाइज आपके एरिया के अंदर चाय पत्ती मिलता नहीं, तो आप सीधा फ्रेश टी से सैंपल मंगाए। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है इसमें आप पूरा एड्रेस डिटेल भेजें, पिन कोड भेजें, उसके बाद जो है आपका कोरियर चार्जेस जो भी लगता है इसी नंबर पे आपको पे करना होता है, स्क्रीनशॉट भेजना होता है, उसके बाद आपका पार्सल जो है इंडिया पे कहीं पे भी है आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सिंगल दाना का हो पैकेट का हो
चाय ब्लेंडेड का हो, सीटीसी ग्रीन टी, ग्रीन लीफ, ऑर्थोडॉक्स, हर तरीके का क्वालिटी का फ्रेश टी में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों सारे ए टू जेड जानकारी देता हूँ चाय पत्ती का व्यापार के बारे में। आप खुद का ब्रांड इस तरह का अगर आप बनाना चाहते हैं, इस तरह का पैकेट अगर आप बनाना चाहते हैं और ये सिंगल दाने के चाय लेके अगर आपको व्यापार शुरुआत करना है या पैकेट में आप इस तरह का जार भी बना सकते हैं, तो सारे जानकारी मैं आपको दूंगा चाय पत्ती का व्यापार के बारे में, ए टू जेड जानकारी आपको देंगे। चाय पत्ती का व्यापार के आइडिया तो हर कोई देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर देते होंगे, लेकिन मेरा जो आइडिया है बिल्कुल सादा सिंपल तरीका से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जैसे बोला आपको ब्लेंड कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आप रात को 8 बजे के बाद हमें फोन कर सकते हैं, ए टू जेड जानकारी ले सकते हैं, सिंगल दाना कैसे आपको घर तक पहुंचेगा, पैकेट का घर तक कैसे पहुंचेगा, सारे डिटेल ए टू जेड पूछ सकते हैं रात को 8 बजे के बाद। तो दोस्तों आज आपको बताया चाय पत्ती का बिजनेस के पूरा जानकारी और हमारे पैकेट में कैसे लेंगे और आपका खुद का ब्रांड कैसे बनाएंगे, सिंगल दाना ब्लेंडेड कोई से भी चाय पत्ती का सैंपल आप कैसे मंगाएंगे, जार का ब्रांड आप कैसे बनाएंगे, ए टू जेड जानकारी आपको दिया गया है। कुछ अगर रह जाते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपका जो भी परेशानी है व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।